मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी हाथ ऊपर, आज सबका मैं हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका मैं हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसे नहीं, हाथ सीधे मिलकर एक बार गिटारी हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सिस्टम जितना करना एक बार में कर लीजिए, अब बैठो आराम से। अब स्वागत सिर्फ उसका होगा, कौन कौन करेंगे? अरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अच्छी हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, हर सब काम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। देखो इतना तो गाओ कम से कम कि बिल्कुल बगल में वो बैठा है उस तक आवाज पहुंचे। अगर उसके कानों में पहुंच गए तो समझ लो खाटू नरेश के कानों में पहुंच गए। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया कृपा से अब सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से अब सब काम हो रहा है। प्रभु आज तुम्हारे पास आए हैं, बस ये जान लेना कि आज कुछ मांगने नहीं आए हैं। जितनी बार आए उतनी बार बोला बाबा ये दे दे, बाबा वो दे दे, लेकिन आज तेरे जन्मदिन पर एक खास बात कहना चाहते हैं। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। अरे तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। बहुत सुंदर पंक्ति, तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। अरे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया। अरे करते अच्छा एक बार सबकी आवाज, मेरा नाम हो, अरे करते हो तुम
मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से अब सब काम हो रहा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वल्लभम। अच्छा ये भजन किसने किसने सुना है सबने? ये जो पंक्ति हमने गाई इस पंक्ति का मतलब क्या है? है? अच्छा इतनी बड़ी पंक्ति छोड़िए सिर्फ इतना बताइए अच्युतम केशवम का मतलब क्या? क्या ईश्वर तुम्हारे अनेकों नाम हैं जिनमें से कुछ कुछ ये हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामो राम नारायणम जानकी। ईश्वर तुम्हारे अनेकों नाम है इनमें से कुछ कुछ ये हैं और इन नामों को लेने से प्राणी भव तर जाता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आगे जैसे बुलाते नहीं। ये जो वर्जन है ये आप सबने सुना है, मैं आपको एक नया वर्जन सुनाता हूँ जो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूँ जो वर्जन मैं सुनाने वाला हूं वो सुनने के बाद आप यहां से निकलोगे तो कहोगे कि राज भाई ने आज कुछ सुनाया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं। बोलिए अच्युतम राम नारायणम चायन बोलो अच्युतम राम नारायणम की। अब सुनना ध्यान से, राधा के जैसा प्रेम तू कर ले जरा, राधा के जैसा प्रेम तू कर ले जरा, दर्द सीने में उस जैसा भर ले जरा, दर्द सीने में उस जैसा भर ले जरा, प्रेम उस जैसा क्यों तुम दिखाते नहीं, प्रेम उस जैसा क्यों तुम निभाते नहीं, और कहते हो भगवान आते नहीं, और कहते हो भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं। हरे केश हरे की।
बन गया वो दीवाना बस उस नाम का, बन गया वो दीवाना बस उस नाम का। यारी उस जैसी क्यों तुम निभाते नहीं, यारी उस जैसी क्यों तुम निभाते नहीं। और कहते हो भगवान आते नहीं, और कहते हो भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं। अब पता पड़े कि कौन कौन वाकई में पक्का श्याम प्रेमी है, जो भजनों में जाता है और जिसे बाबा के पुराने भजन आते हैं। मैं एक पंक्ति गाऊंगा और पूरा भजन पीछे आपको गाना है। दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको, सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा डीके हुकम में बस ओ अरे ओ सेवा में सेवा हरी माने आज बिछ जड़ो में सेवा में हरी अरे सेवा में थारी माने आज बिछ जड़ो हन कोल निभाओ है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज खाने आड़ो है कीर्तन की है रात कीर्तन की है रात की है रात कीर्तन की है रात बाबा आज खाने आड़ो है कीर्तन की है रात। और आज तो कीर्तन की रात नहीं है जनाब, आज क्या है, कौन सी रात? आज ग्यारस की है रात, ग्यारस की है रात बाबा आज खाने आड़ो है ग्यारस की है रात। अरे ग्यारस की है रात बाबा आज खाने जोर से बोलो, जरा एक बार झूम के बोलो, अरे आज खाने अरे आज खाने आज खाने कोल निभाड़ो है ग्यारस की है रात, ग्यारस की है रात बाबा आज खाने आड़ो है ग्यारस की है रात। अच्छा अच्छा, चलती चलती मैं एक बात बोल दूं आपको कि जो आगे का सेगमेंट है इसमें वही लोग बैठे जो वाकई में कीर्तन करना चाहते हैं। कीर्तन के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं अच्छा लगता है, पीछे लोग आएंगे जाएंगे चलेगा, लेकिन आगे नहीं चलेगा जनाब, ठीक है। अच्छा, कौन कौन करेंगे कीर्तन? जो कीर्तन करने आए हैं, जो सुनने आए हैं वो नहीं, जो करने आए हैं। अजी ग्यारस की रात है, जरा एक बार भाग चमका लो, उठा के हाथ, एक एक हाथ से दारी कीर्तन करा जम करे प्रभु क्यों देर करो हो कीर्तन करा जम करे प्रभु क्यों देर करो हो। बाबा जय हो, आप हमारे पास, आपने एक हाई कोर्ट हमारे हैदराबाद में बना रखा है, ये आपकी विशेष कृपा है हम पर। लेकिन सेठ आज के दिन, कम से कम आज के दिन आपको एक बार चाहे एक क्षण के लिए ही आना हो, लेकिन खाटू से आना पड़ेगा और अपने बच्चों को प्यार देकर बधाई लेनी पड़ेगी। और अगर हमारे बुलावे पर नहीं आते, वादो थरो दाता कीर्तन में आने को, वादो थरो दाता कीर्तन में आने को घड़ी क्यों देर करो हो, वादो थरो दाता
सुथाने अरे भजना सुथाने हे माने आज री जानो है अरे भजना सुथाने अरे भजना सुथाने हे माने आज थाने कोल निभाड़ो है कीर्तन की है राह कीर्तन की है राह हे बाबा आज थाने आनो है कीर्तन की है राह अरे कीर्तन की है रात बाबा बाबा आज थाने आनो बाबा आज थाने आनो है सुनाई नहीं दिया जरा जोर से बोलो एक बार बाबा आज थाने आनो बाबा आज थाने आनो ए बाबा आज थाने आनो है बाबा आज थाने आनो है ने कोल निभड़ो है तरस की है रात तरस की है रात बाबा आज थाने आनो है तरस की है रात अगली पंक्ति जो कुछ बण्यो मासू अर्पणे प्रभु सारो जो कुछ बण्यो मासू अर्पणे प्रभु सारो हे प्रभु स्वीकार करो जो कुछ बण्यो मासू अर्पणे प्रभु सारो प्रभु स्वीकार करो नादान सुंगल की होती ही आई है प्रभु मत ध्यान धरो नादान सुगल की होती ही आई है प्रभु की मत ध्यान धरो नंदू सावरिया अजी नंदू सावरिया थारो दास पुरानो है क्या बात नंदू सावरिया ओ जी नंदू सावरिया थारो पुरानो जी थाने अरे ग्यारस की है बोलो अजी ग्यारस की है रात बाबा आज थाने आनो है अजी ग्यारस की है रात ओ जी ग्यारस की है रात बाबा आज थाने आनो है थाने होले निभाड़ो है और बाबा या मत सोचो कि थे आओगा तो मैं थाने सूखा सूखा छोड़ देवांगा ना ए जी मन को नगीनो थाने सौंप दियो और जान के दर्द प्रभु मोल लियो जान के दर्द ए जी प्रभु मोल जीत और हार को विचार के करूं बोलो बोलो मनुहार बोलो जी बोलो 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 थारी मनुहार के करूं हाँ हाँ बोलो जी दयालु दिलदार के करूं बोलो जी दयालु दिलदार के करूं अरे बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं आय हाय हाय बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं तैयार है सारे मनोहार करने के लिए ऐसे ही चलना है जरा तालियां बजा के झूम ये बात दोनों हाथ खोल के चलकर एक साथ ये ताली दर्द प्रभु मोल लियो आय हाय जान के दर्द प्रभु मोल लियो जीत और हार को विचार के करूं
जी और हार को विचार के करूं, बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं, आया है बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं। आज इतनी भीड़, इतने भगत इस मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, इसका मूल कारण क्या है? और धीमा चाटी नहीं। आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका मूल कारण क्या है? फांस लियो मीठी मीठी बाता मैंने, लियो मीठी मीठी बाता मैंने। अब मैं बताता हूं आपको एकदम सटीक एग्जाम्पल देता हूँ कि फांस लियो मीठी मीठी बाता में कैसे सही साबित होता है। सुनना, आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन में कि ये बात इस तरह से बताई जाती है। पापा खुद थोड़ी आता है आपको मीठी मीठी बात बताने या आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने, ये खुद नहीं आता। सुनो, थोड़ी शांति रख लो। फांस लियो मीठी मीठी बाता में, इसका सटीक एग्जाम्पल देता हूँ। आनंद भैया का फोन आया, उसके पहले हमारे जितने समिति के लोग थे उनका फोन आया कि आज के दिन कार्तिक एकादशी के दिन राज भी आपको हैदराबाद आना। मैंने कहा भैया मैं कार्तिक एकादशी खाटू में रहता हूँ, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं, मैं वहीं पर रहता हूँ, कीर्तन ना करूँ लेकिन बाबा के दर्शन करता हूँ, मन नहीं मानता भैया। इन्होंने कहा भैया आप सुबह दर्शन कर लेना फिर आ जाना। मैं बोला भैया पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं ऐसी जगह पर हूँ। अब इन्होंने मेरे को कहा, आनंद भैया ने, बोले राज भैया आप कुछ भी करो आपको आना है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ फांस लियो मीठी मीठी, बोले हैदराबाद में बाबा को दरबार है, बठेवी में जन्मदिन मनाऊंगा, ठेकिया को नहीं आऊंगा, फांस लियो मीठी मीठी। अब इसका रिएक्शन देखो, अब इसका रिएक्शन देखो। मैंने आनंद भैया से कहा अच्छा आऊंगा, आप भी रुकोगे तब। एक्शन में हुआ फांस लियो मीठी मीठी बाता में, और रिएक्शन में भी अरे बिक गयो जीव थारे हाथों में, अरे बिक गयो जीव थारे हाथों में, अरे बिक गयो जीव थारे हाथों में, आयो बिक गयो जीव थारे हाथों में। थारे से तकरार में, ओ से सरकार के करूं, बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं, बोलो बोलो थारी मनोहार के। अब आप गाएंगे, बोलो जी दयालु दिलदार के करूं, बोलो जी दयालु दिलदार के करूं, मनोहार के करूं, आए आए बोलो बोलो थारी मनोहार के करूं। अच्छा, आप में से किस किस ने पूरे दिल से पूछा कि बाबा आप बताओ आपकी मनोहार कैसे करें? ये जो दो पंक्तियां किस किस ने दिल से गाई वो जरा हाथ ऊपर करो। आपने प्रभु से सवाल किया कि बाबा आप बताइए आपकी मनोहार कैसे करें? आपको जवाब मिला कैसे? एक बार ताड़ियां, एक बार ताड़ियां बजा कर देख लो, एक बार ताड़ियां बजा कर देख लो, अरे एक बार हाथों ने उठा कर देख लो, एक बार हाथा ने उठा कर देख लो। अच्छा याद है तोहफा कैसे देना है? अरे एक बार तालियां बजा कर देख लो, एक बार तालियां बजा कर देख लो, अरे एक बार हाथा ने, एक बार हाथा ने उठा कर देख लो, एक बार हाथा ने उठा कर देख लो, अरे एक बार जयकारो। कौन कौन लगाएंगे जयकार? अच्छे से हाथ ऊपर बुलंद आवाज में, खाटू नरेश की हरे के सहारे की, एक बार हाथा ने उठा कर देख लो, एक बार हाथा ने उठा कर देख लो, एक बार
देख लो, एक बार तालियां बजा कर देख लो, अरे प्रेम भरा भजन सुना कर देख लो, आया हो प्रेम भरा भजन सुना कर देख लो। बार दिल से ओ, एक बार दिल से ला कर देख लो, सुन सी सांवरो सुना कर देख लो, हाय 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 जुड़ दी सांवरो सुना कर देख लो। अगर बात सच्ची लगे तो गाना, वरना अरे बांझण यारा पालना झूलावे सांवरो, बांझण यारा पालना झूलावे सांवरो, अरे बांझण यारा पालना झूलावे सांवरो, बांझण यारा पालना झूलावे सांवरो, आंधणिया ने दर्श दिखावे सांवरो, आंधणिया ने दर्श दिखावे सांवरो, अरे मूले से भी लूले से भी तालियां बजवावे सावरो, आए हाय लूले से भी तालियां बजवावे सावलो। इतने अच्छे भगत देख कर ना मेरा बिल्कुल एकदम माहौल बन गया है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को देखकर एक बात याद आई, एक वाक्य याद आया, सुनिए। एक साथ दो भगत बैठे हैं, एक जिसके हाथों में ताकत है आपके हमारी तरह तंदुरुस्त, और दूसरा भगत कौन, जिसके हाथ काम नहीं करते, जिसे हम लूला कहते हैं। जब यहां पर खड़े कहा गया कि भाई तालियां बजाओ, तो जिसके हाथ में ताकत है उसने तालियां नहीं बजाई, लेकिन जिसके हाथ में ताकत नहीं है उसने कोशिश की ताली बज जाए। जब हाथ उठाने को कहा गया जिसके पास ताकत है उसने नहीं बजाई, और जिसके पास ताकत नहीं है उसने कोशिश की थोड़ा सा हाथ उठ जाए। बगल वाले ने पूछा भाई ए तो यही करेगा, जो आवे माइक पकड़े की बात बोले हाथ उठा लियो हाथ उठा लियो हाथ उठा लियो, वहां को बस चले तो बोले टांग उठा लियो, बोले अपने क्यों मेहनत करे फोकट में, मेरे पास ताकत है मैं मेहनत नहीं कर रहा, तू पागल है तेरे तो हाथ ही काम नहीं करते। तब उसने क्या जवाब दिया, उसने बोला भाई साहब आप नहीं समझोगे क्योंकि आपके पास हाथ है और आपके हाथों में ताकत है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। मेरे हाथ है मगर उनमें ताकत नहीं है, जान नहीं है, लेकिन एक विश्वास है मन में कि इन हाथों से अगर तालियां बच सकती है तो इसके चरणों में ही बच सकती है, वरना कहीं नहीं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है जनाब, समय बीतता है बीतता चला जाएगा, 12:30 एक डेढ़ आप अपने अपने घरों को निकल जाओगे, सुबह उठोगे सोचोगे कि एक दो मिनट कीर्तन और कर लिया होता तो आनंद आता। ये जो समय है ना आनंद जी, ये जो क्या बात है, ये जो समय है ये जो वक्त है बहुत कीमती है जनाब। आप ये सोचिए 365 दिन में अगर गिनती निकालोगे कि आप कितनी बार कीर्तन में बैठे, पूरा पूरा एक महीना भी नहीं निकलेगा जनाब। क्या 12 महीने में एक महीना भी उसे नहीं दे सकते। बांझड़ी यारा पालना झूलावे सांवरो, बांझड़ी यारा पालना झूलावे सांवरो, आंधड़िया ने दर्श दिखावे सांवरो, आंधड़िया ने दर्श दिखावे सांवरो, अरे लूले से भी अरे लूले से भी तालियां बजवावे सांवरो, आए हाय हाय लूले से भी तालियां बजवावे सांवरो, अरे गूंगे से भी भजन आज एक बार आंसूड़ा बहा कर देख लो, अजी सुन सी सांवरो थे सुना कर